Friends, this is the Ramesh Chopra, cricket coach and motivator, once again with all of you. Today, I have come with a different shot, the sweep. ये एक horizontal bat shot है और batsman की armory में ये एक सबसे बड़ा तीर है जब वो एक अच्छे spinner को टैकल कर रहा होता है। जैसे हम देखते हैं कि वर्टिकल बैट ये बॉल की बाउंस को एडजस्ट करता है, लो हो या अप हो, उसी हिसाब से जो हॉरिजॉन्टल बैट होता है, खास करके स्वीप में आप जो बॉल की टर्न होती है अंदर या बाहर, स्क्वायर जाती है, यू जाती है, वो उस स्पिन को टैकल करने में जो हॉरिजॉन्टल बैट की मूवमेंट है ये हेल्प करती है। अगर बैट्समैन अपने स्किल लेवल को हाई ले आए और वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को अच्छी तरीके से यूज करना सीख जाए, इसके लिए जो बॉल चुनी जाती है वो है गुड लेंथ, एक किस्म की स्पिनर की अच्छी बॉल। तभी मैंने पहले कहा था कि स्पिनर के अगेंस्ट ये एक बहुत बड़ा हथियार होता है बैट्समैन के पास। इसमें आपका जो फ्रंट फुट है ये बॉल की लाइन की तरफ थोड़ा सा इनसाइड रह के मूव करता है, जितना हो सके बॉल की बाउंस के पास पहुंचो, क्योंकि हमें बॉल की बाउंस को ही कंट्रोल करना होता है। आगे वाला नी बेंड रहेगा और पीछे वाला नी बेंड होके नीचे जमीन पे लगेगा घुटना, इसलिए ताकि जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लो हो जाए, हेड हमारा नीचे आ जाए। क्यों आए? क्योंकि हमारा स्ट्रोक के ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाए। आंखें बॉल की लाइन के ऊपर टिकी रहेंगी। जब जैसे ही आपने डिसाइड किया कि आपका ये स्वीप शॉट आ चुका है, वैसे ही हाई बैकलिफ्ट पे जाके आपका बॉटम हैंड कंट्रोल में आ जाएगा और बैट आपका रियर शोल्डर के ऊपर आ जाएगा। ऐसे में आप देखेंगे अक्सर जो आपकी राइट एल्बो है ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जैसे ही डाउन स्विंग शुरू होना होता है, वैसे ही ये एल्बो थोड़ी सी अंदर बॉडी को टक रहती है। ये आपके बैट को एक अच्छी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देने के लिए एक ज़रूरी चीज़ बन जाती है। जैसे ही आप नीचे हैं, जब आपका घुटना लगा हुआ है नीचे, पीछे वाला, आगे वाला, यहाँ पे बॉडी वेट दोनों पैरों पे, आगे वाले पैर पे और पीछे वाले घुटने पे बराबर का डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पोजिशन में आप अपने फ्रंट शोल्डर के ऊपर से बॉल की लाइन देख रहे हो, ऊपर से बैट नीचे को ला रहे हो और फिर जैसे हम एक ज़मीन पर ब्रश मारते हैं, ये ऐसे ब्रश मारते हैं, उसी हिसाब से आपका बैट की मूवमेंट आएगी, बॉल को हिट करेगी। जब बॉल को हिट करोगे बैट का फेस थोड़ा सा नीचे को रहेगा और उसके बाद नीचे वाली रिस्ट ऊपर इसके ऊपर रोल होएगी और आप बॉल की तरफ देखेंगे, स्ट्रोक आपका, फॉलो थ्रू आपका फ्रंट वाले शोल्डर के ऊपर फिनिश हो जाएगा। देखिए, इसमें जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बॉल की जजमेंट। जैसा हमने पहले स्ट्रोक्स में भी किया है कि आपका जो एक परसेप्शन लेवल है, जो आपको क्लू मिलते हैं, जो आपका एक एंटिसिपेशन बनता है एज बैट्समैन, वो बहुत इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें जो बॉल की लाइन है वो लेग स्टंप के ऊपर या एंगल में आनी चाहिए, या कभी कभी लेग स्टंप के बाहर भी हो तो चलेगा। ज़्यादातर ये स्ट्रोक ऑफ को खेलेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे, लेग स्पिनर को भी खेल सकते हैं, पर लेग स्पिन खेलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा और एकदम बॉल की जहाँ बॉल बाउंस हो रही है पिछों के वैसे ही लेना पड़ेगा। आज मेरे साथ डेमोस्ट्रेशन के लिए मेरा स्टूडेंट है अरण्य देव सिंह झाला। ये आपको पहले बिना बॉल के फिर बॉल के साथ डेमोस्ट्रेशन देगा, क्योंकि इसमें जो बैक नी है वो नीचे लगता है ज़मीन पर और मेरे इस नी की सर्जरी हुई है, मैं वो लोड ले नहीं पाऊंगा, इसलिए आज मैं अपना स्टूडेंट यूज़ कर रहा हूँ। ये पहले आपको बिना बॉल के करके दिखाएगा, मैं आपको बीच बीच में ब्रीफ करूँगा, उसके बाद ये आपको बॉल के साथ करके दिखाएगा। तो अरण्य, पहले आप बिना बॉल के स्ट्रोक करके दिखाइए। अब देखिए, ये पोजीशन है, यहाँ हमने बॉल जज कर लिया, जज करते ही बॉटम हैंड एक्शन में आ गया, इसने बैट को पिछले वाले कंधे के ऊपर ले गया। अब हमारा फ्रंट फुट बॉल की तरफ मूव कर चुका है, बॉडी लोअर हो रही है, ये बैक नी जमीन पे लग चुका है,
हम इस कंधे के ऊपर से बॉल को देख रहे हैं, पिच होता हुआ यहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ से लाके यहाँ तक पिच होता देखते हैं। अब बैट का स्विंग क्रॉस यहाँ पे हम देख रहे हैं, बॉल को हिट होता हुआ, बैट का फेस नीचे है, ये रिस्ट इस रिस्ट के ऊपर रोल हो जाएगी और ये स्ट्रोक वो हम देख रहे हैं उस तरफ जहाँ जा रहा है, इसकी डायरेक्शन मिड विकेट से लेके पॉइंट लेग के बीच में कहीं भी हो सकती है। एक बार फिर ध्यान से देखिए, एक बार फिर ध्यान से देखिए, ये बहुत जरूरी है। अब यही शॉट बॉल के साथ करने जा रहे हैं। अब देखो इसमें क्या हुआ है कि हमने बॉल की लेंथ पीछे थी, इसको सीधे के लिए पिक कर लिया, बॉल थोड़ा सा उठा, एज पे लगा ऊपर वाले एज पे और कैच हो गया। ये एक किस्म का कॉमन फॉल्ट होता है, अक्सर बैट्समैन ये फॉल्ट करते हैं जहाँ पे लेंथ थोड़ी सी पीछे की पिक कर लेते हैं और बॉल एज लेके ऊपर चली जाती है। हमें प्रॉपर लेंथ पकड़ना है, हमारा कंट्रोल स्ट्रोक के ऊपर पूरा आना चाहिए, बैट बॉल जहाँ पिच कर रही है बॉल उसके ऊपर आना चाहिए। देखिए आप, अभी जो पैर है आगे वाला, ये पैर, ये बॉल है, बॉल और ये स्टंप, ये स्टंप है, बॉल और स्टंप के बीच में पैर आ रहा है। हमें ये ध्यान रखना है, अगर हम बॉल को मिस कर रहे हैं तो बॉल हमारे पैर पे लगे ना कि स्टंप पे जाए। और ख़ास करके जब आप राइट अप लेग स्पिनर को पकड़ेंगे तो ध्यान आपको यही रखना है कि आप राउंड द लेग बोल्ड ना हो, अपने फुटवर्क को, अपनी बॉडी को एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जरूर रखना है आपको। वेरी गुड शॉट। तो ये एक डेमोस्ट्रेशन था आप सबके लिए कि हम स्वीप शॉट कैसे खेलें, और अरण्या ने काफ़ी अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया। उससे एक चूक भी हुई, वो अच्छा ही हुआ, एक जो कॉमन फॉल्ट होता है हम सब बैट्समैन में वो हमारे सामने आ गया। इसमें आपको जो बहुत ध्यान से काम करने वाला है आपके लिए वो यही है कि जब पिच थोड़ा सा अनइवन खेल रहा हो, बॉल ऊपर नीचे हो रही हो, उस वक्त इस शॉट को जितना हो सके कम इस्तेमाल करें और बिल्कुल परफेक्शन पे इस्तेमाल करें, क्योंकि बॉल जब ऊपर नीचे होती है चांस होता है आउटरेज लेने का, बॉल खड़ी हो जाएगी। हमें ये लेके चलना है कि हम अटैक कर रहे हैं, हम स्कोर निकालने के लिए ये स्ट्रोक खेल रहे हैं, हम डिफेंस नहीं कर रहे, हमारा ये अटैकिंग टैक्टिक्स है। एक इसमें हमें सिंगल डबल तो मिलता है, अगर हमारे पास गैप मिल जाए तो चार मिलता है, क्योंकि इस तरफ की फील्डिंग में अगर हम स्क्वायर लेग से पीछे देखें तो दो फील्डर के ऊपर नहीं आ सकते। अगर उनका एक फील्डर ऊपर है, एक फील्डर पीछे, दो फील्डर पूरे हो चुके हैं, तीसरा फील्डर आते नो बॉल हो जाती है। दूसरी बात जो आपको समझ लेनी है वो ये है कि ये वाला शॉट एक किस्म का जो फील्डर ऊपर होते हैं, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, बैकवर्ड शॉर्ट लेग, लेग स्लिप, जैसे ही बैट्समैन स्वीप पे जाता है वैसे ही ये लोग आप देखते हैं कि अपने आप को बचाते हैं। एक किस्म का ये वाला शॉट जिसका अच्छा हो जाएगा वो इन फील्डर्स के दिल में थोड़ा सा डर पैदा कर देता है, तो इसलिए उस हिसाब से स्ट्रोक अच्छा है। आपको हर एंगल में ये वाला शॉट फायदा देने वाला है, भरपूर फायदा देगा। आप देखिए, आप अच्छा डिफेंस करना सीख रहे हैं, आप अच्छा स्ट्रेट बैट का अटैक करना सीख रहे हैं, आप कट पुल सब सीख चुके हैं। अगर आपने अपना स्वीप शॉट अच्छा कर लिया तो मेरी बात मान के चलिए कि एक आप अच्छे स्पिनर को, एक स्लो मिलिट्री मीडियम पेस बॉलर को टैकल करने में बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके होंगे और आपका जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। आप देखते हैं कई बार जो अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं
वो अच्छे अच्छे स्पिनर को, अभी रिसेंट में अगर हम देखें जो इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो सीरीज चली चेन्नई के पहले टेस्ट में, किस हिसाब से जो रूट ने स्वीप के साथ ही स्कोर किया था, अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर गया था वो। ये शॉट बहुत अच्छा है, बहुत हाईली पे करने वाला है अगर हम ढंग से खेलें। दूसरी तरफ अगर हम इस स्ट्रोक को थोड़ा सा लापरवाही से खेल जाएंगे, जहां हमारी बॉडी की पोजिशन अच्छी नहीं बन रही, हम राउंड द लेग बोल्ड हो सकते हैं, बॉल को खड़ी कर सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे ये एक सलाह है आप लोगों को कि इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करिए और इसको अच्छा परफेक्ट करिए और अपनी आर्मरी में एक बहुत बड़ा हथियार रख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपका ये शॉट काफ़ी परफेक्ट होगा। जैसे यूजुअल मैं आपसे अपील करता हूँ, लास्ट में मेरी आपसे फिर अपील है एक बार कि मेरे वीडियोज़ को जैसे आप लाइक करते आ रहे हैं लाइक करिए। मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, आप लोगों का प्यार मेरे साथ है, आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे से करवाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको भी लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक फिर मुलाकात होगी, और इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।